हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं पेपर से फ्रॉग। सबसे पहले हम एक स्क्वायर शीट लेंगे, उसको हम ट्रायंगल में फोल्ड कर देंगे। इसको ओपन किया, अब हम इसको रेक्टेंगल में फोल्ड करेंगे। अब अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे। रेक्टेंगल में फोल्ड करने के बाद इसको हम दोबारा से एक बार और फोल्ड करेंगे, तो ये स्क्वायर की शेप में आ जाएगा। स्क्वायर शेप में आ गया, इसको ओपन करेंगे, इसको हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे कि एक ट्रायंगल आ जाए इस तरफ और दूसरा ट्रायंगल आ जाए इस तरफ। अच्छे से इसको प्रेस करते रहेंगे कि लाइन्स हमें दिखें। इसको ओपन किया, अब हम इसको दूसरी तरफ से फिर से एक ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से हमें सेम चीज करनी है। अब हम इसको ओपन करेंगे, अब हमारे पास दो एक्स के साइन आ रहे हैं, एक इधर और एक इधर। अब हम क्या करेंगे, इसको बीच में से फिर से फोल्ड कर देंगे ऐसे, और यहाँ से भी इसको फोल्ड। इसको ओपन करेंगे, अब हमारे पास ऐसे ऐसे पूरी एक लाइन आ जाती है ये। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है इसको हम पकड़ेंगे इधर से इधर, और ये जो बीच वाली लाइन थी यहाँ तक हम इसको ले आएंगे ऐसे करके, ठीक है। इसको ओपन किया, ये वाली लाइन को लेकर आए, इसको ओपन किया, यहाँ पर अब हमें ये ट्रायंगल बन जाएगा। हमें ट्रायंगल बनाना है, पहले हम हाथ से अच्छे से देख लेंगे पूरी मेजरमेंट करके कि अच्छे से ट्रायंगल आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद हम इसे अच्छे से प्रेस कर। हमें दोनों साइड से एक जैसा करना है, यहाँ पे बीच वाला लाइन को पकड़ना है, यहाँ नीचे तक लेकर आना है, इसको मोड़ के यहाँ रखा, ये वाली लाइन को फिर यहाँ नीचे रखा, फिर इसको फोल्ड किया, ये हमारा ये शेप आ गया। अभी हमारा शेप ऐसा आ गया है। इसको करने के बाद अब हमें ये वाला एक पॉइंट लेना है, इसको ऊपर की तरफ को फोल्ड करना है ऐसे, फिर इस तरफ से भी सेम करना है, और पूरा टिप तक इसको फोल्ड करना है। ये मेरा एक वो आ गया था, इसको हम हटाएंगे, ये पूरा टिप तक फोल्ड किया। नेक्स्ट साइड से भी हमें इसको टिप तक फोल्ड करना है ऐसे, और वहाँ से इसको ऐसे। इतना करने के बाद ये हमारे चार फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, एक लाइन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसको हम अब उल्टा फोल्ड करेंगे, पूरा एक प्लेन साइड आ रही है, देखेंगे हमारा सही आ रहा है या नहीं। उसके बाद इसको हम फोल्ड करके अब हम ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको क्या करेंगे, ये वाला टिप को पकड़कर ये वाली जो लाइन है यहाँ तक इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ से पतला आना चाहिए, यहाँ से मोटा आना चाहिए, ये हमने ऐसे करके ये फोल्ड कर दिया। अब हम इसे दूसरी साइड से भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे, ऊपर से पतला और नीचे से मोटा होना चाहिए, और हम सारे फोल्ड्स हम एक जैसे करेंगे, ये दो ऊपर, और अच्छे से हम इसको प्रेस करते रहेंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसको फोल्ड करेंगे, ये वाले टिप को लेकर दूसरी वाली लाइन तक ले जाएंगे, और इसे पतला, ऊपर से पतला नीचे से मोटा करके फोल्ड कर देंगे।
इधर से भी फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने के बाद ये कुछ ऐसा शेप दिखेगा इसका। नीचे वाले को हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे। अब ये वाली जो लाइन है ये बीच वाले से, इसको हमें पतला सा फोल्ड करना है, चाहे ये चीज़ हमारी कहीं पे भी आए, यहाँ से पतला होना चाहिए बस। ये सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है। जैसे हम एरोप्लेन बनाते थे वैसे ही बनाना है हमें, ऊपर से पूरा प्लेन होना चाहिए, ये ट्रायंगल होना चाहिए ऊपर से। ये इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। क्या हो गया, इतना करने के बाद इसको हम उल्टा करेंगे और ये वाली जो लाइन आ रही थी इसको हम अंदर की तरफ को मोड़ेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ को मोड़ा। अंदर की तरफ मोड़ने के बाद ये वाली जो लाइन है, ये जो हमारा ऊपर वाला पीछे वाला हिस्सा आ रहा था, इसको हम ये वाली लाइन तक पीछे तक इसको मोड़ देंगे ऐसे, और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे और ये हमारा बन गया स्ट्रॉन्ग। अगर आप इसे यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा टच करोगे तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। प्लीज़ डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट।